हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं कार्बोरेटर की रिपेयरिंग कैसे करते हैं, उसकी साफ सफाई कैसे करते हैं, यानी कि जब कार्बोरेटर खराब हो जाए तो हमें क्या क्या उसको ठीक करने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, हम कार्बोरेटर की रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे हमारी एक गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कार्बोरेटर मेरे हाथ में है, ये कार्बोरेटर यानी कि एक छोटा जो चार्जिंग इंजन जिसको बोलते हैं, ये श्रीराम होंडा EM650 का कार्बोरेटर है। ऐसा ही कार्बोरेटर जो भी पेट्रोल की बाइक होती हैं, उन सभी बाइकों में ये जो होंडा की होती है, बजाज की होती है या कोई भी TVS की बाइक जो भी होती है, और आप स्प्लेंडर प्लस के कार्बोरेटर को देखोगे तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा। दोस्तों, ये जो हमारा कार्बोरेटर है, ये श्रीराम होंडा EM650 का कार्बोरेटर है। इसकी रिपेयरिंग कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या साफ सफाई करते हैं और क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं, सभी पार्टों के नाम हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं इसको खोलने के लिए किस किस टूल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमारे पास एक 5-bit स्क्रू ड्राइवर सेट होना चाहिए या स्क्रू ड्राइवर 2-in-1 या स्टार हेड और माइनस, यानी स्टार हेड और माइनस या प्लस या माइनस बोल सकते हैं, वो स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास एक 10 नंबर टी स्पाइनर होना चाहिए और एक नोज प्लायर भी होना चाहिए। तो हम इसको खोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, ये जो स्क्रू है, ये 10 नंबर टी स्पाइनर से खोल लें या स्क्रू ड्राइवर से खोल लें, और जो ये स्क्रू सारे हैं इसके, ये भी हम टी स्पाइनर, ये हमारा स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल सकते हैं। आइए अब हम इसके बताते हैं। दोस्तों, इसको हमने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लिया है। इसमें एक वाशर लगा होता है, ये कई बार ये वाशर जो है ये दोस्तों कट जाता है वाशर, तो इसके कारण भी यहाँ से हमारा जो फ्यूल है वो लीकेज होने लगता है। तो हमें ये वाशर चेक कर लेना चाहिए और नया वाशर डाल देना चाहिए यदि वाशर ख़राब हो गया है तो। उसके बाद दोस्तों, ये जो हमारा जो नट है, बोल्ट है, ये भी ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो ये जो स्क्रू है, इसको भी हमें चेंज कर लेना चाहिए यदि इसकी थ्रेड सही से नहीं है तो। उसके बाद दोस्तों, ये जो है, ये हमारा फ्लोट चैम्बर है, इसको हम बोलेंगे फ्लोट चैम्बर। जैसे ये कितना अंदर से गंदा हो रखा है तो इसकी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए पेट्रोल और टूथब्रश की सहायता से। इसकी यानी कि इसमें पेट्रोल डाल के टूथब्रश से अच्छे से इसको साफ़ करें, और टूथब्रश के साथ साथ एक जो क्लीनिंग ब्रश आता है, क्लीनिंग ब्रश की सहायता से इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद दोस्तों, इसके पार्टों की बात करें तो ये फ्लोट चैम्बर हो गया। फ्लोट चैम्बर के बाद ये जो फ्लोट चैम्बर को अब हम खोलते हैं, जो फ्लोट हमारा है उससे ये फ्लोट रोड को निकालते हैं। इसके बाद हम दोस्तों फ्लोट को कार्बोरेटर से निकालते हैं। दोस्तों, एक जो हमारा फ्लोट है, इस फ्लोट के जो यहाँ पर लगी होती है एक वाल्व लगा होता है, जो इसमें उपस्थित हमारे पास है नहीं अभी, आपको अभी अगला वीडियो में दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। वाल्व होता है, उसको साफ़ कर लें और हमारे जो कार्बोरेटर है ये ओपन हो चुका है। इसमें दोस्तों, ये जो हमारा है, इसको हम मैन जेट बोलते हैं। जो हमारा जेट है, स्क्रू है, मैन स्क्रू है, इसके अंदर से ये कई बार दोस्तों ये भी हमारा क्या है कि बंद हो जाता है, तो इसको बारीक तार की सहायता से इसको साफ़ कर लेना चाहिए या इसको खोल लेना, खोल कर साफ़ अच्छे से करें। फिर इसकी बात करें तो दोस्तों, इसकी सफाई भी हमें अच्छे से करना चाहिए जहाँ पर वाल्व लगा होता है। ये वाल्व लगा होता है दोस्तों, जो हमारा टैंक से जो फ्यूल आता है उस फ्यूल पाइप के, ये देखो ये फ्यूल पाइप आया, यहाँ पर ये वाल्व लगा हुआ होता है, उसके नीचे फ्लोट लगा हुआ होता है। दोस्तों, ये जो मेन पाइप आपको दिखाई दे रही, इसको अंदर जो ये है, इसको वेंचुरी कहते हैं। इसके बाद इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं ऊपर, इनकी बात करेंगे, जो ये स्प्रिंग स्क्रू लगा है इसका, ये भी इसका एक पायलट जेट है, ये मैन जेट है। इसकी हम या
ये एयर जेट को हम खोल के और एयर जेट से यहाँ से हम इसकी स्पीड को निर्धारित करते हैं, यानी कि इसको तीन बटा चार पूरा टाइट करने के बाद 3/4 ओपन कर देते हैं। इसके बाद ये हमारा जो पायलट जेट, दोस्तों ये पायलट जेट है, ये एयर जेट है, ये मैन जेट है। तो दोस्तों आपको हमने एक बार फिर बता देते हैं, दोस्तों जो हमारा ये है, दोस्तों ये वाला स्क्रू है, ये इसका पायलट, इसको पायलट जेट बोलेंगे दोस्तों, इसको दोस्तों एयर जेट बोलेंगे, और ये वाला जो नीचे है ये मैन जेट है जो वेंजुरी के पास है ये वाला। अब दोस्तों इससे हम स्पीड निर्धारित कर सकते हैं, जो कि हमारी गवर्नर आर्म है, ये गवर्नर आर्म में गवर्नर रोड यहाँ लगी होती है, और गवर्नर रोड यहाँ से के बाद ये गवर्नर आर्म में हमारी रोड है जो सेट होती है दोस्तों। अब इसके अंदर का ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग हमें अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, इसके ब्रश की सहायता से, टूथब्रश की सहायता से इसको अच्छे से यहाँ से साफ करें। और जो हमारा ये चोक वाला भाग है, ये चोक वाला भाग है दोस्तों, ये जो हमारा है, जो हम बाइक में या गाड़ी में या कहीं भी जनरेटर में जो चोक लेते हैं दोस्तों, ये हमारा चोक है, ये चोक का काम करता है। इस साइड का जो ये है, ये चोक का काम करता है दोस्तों, ये है, ये चोक है। इसके बाद यदि इसमें ओवर फ्लो होता है तो ये ओवर फ्लो पाइप है, इससे हमारा फ्यूल जो है बाहर आने लगता है दोस्तों। अब इसकी साफ़ सफाई की बात की जाए, रिपेयरिंग की बात की जाए, तो इसको हम सभी इसके स्क्रू जो है स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेते हैं। उसके बाद हम इसकी सफाई के बारे में आपको बताएंगे, फिर इसका स्क्रू कितना टाइट करना है, कितना लूज रखना, उन सब के बारे में, इसकी सेटिंग के बारे में कंप्लीट आपको आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों कार्बोरेटर से हमने इसके जो स्क्रू लगे हुए थे आपको दिखा रहे थे, मैन जेट, एयर जेट, पायलट जेट, हमने सारे जेट इसके खोल लिए हैं। अब इसके बाद इसकी सफाई के बारे में बताते हैं। दोस्तों बारी के तार की सहायता से इसका जो ये वाला जेट है, ये एयर जेट है, इसको अच्छे से साफ़ कर लें। आपको एक बारीक सा छिद्र दिखाई दे रहा होगा, वो साफ ऐसे ही नज़र आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसको भी हम अच्छे से पेट्रोल इसमें डाल के और साफ़ कर लेना चाहिए, एक कोई वायर लेकर। इसके बाद इसकी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा पायलट जेट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों इस साइड यदि कार्बोरेटर में देखा जाए तो आपको नज़र आ रहे होंगे, आप अंदर देखोगे तो आपको दो छिद्र नज़र आएंगे, यानी दो बारीक छिद्र दिखाई देंगे। तो एक बारीक वायर लेके उसकी सहायता से आप इनको एक एक बार साफ कर सकते हैं, जिससे कि ये छिद्र पूर्ण रूप से इसके खुल जाते हैं और हमारा जो कार्बोरेटर है अच्छे से साफ हो जाता है। इसके बाद हमारा दोस्तों जो वेंचुरी है, इसके अंदर जो आपको छिद्र दिखाई दे रहा, उसको भी अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। इसमें भी आप वायर की सहायता से, यानी कि आप एक लोहे का तार लें और उसकी सहायता से इसको साफ़ कर लें। इसी प्रकार हमारा जो यहाँ पर वाल्व लगता है, इसको भी साफ़ कर लें। इन सभी को साफ़ करने के बाद दोस्तों हमारे जो इसके जो भी हमने जेट जो स्क्रू खोले हैं, उनको उसी प्रकार भली भांति लगा देना चाहिए, उनको भी हमें साफ़ कर लेना चाहिए। दोस्तों जब हमारा ये जो मैन जेट है, इसमें देखो दोस्तों आपको छिद्र नज़र आ रहा होगा, ये कितना साफ़ है। यदि आपका छिद्र भी ऐसे साफ़ दिखाई देगा तो इसमें फ्यूल प्रॉपर जाएगा और ये यानी जनरेटर आसानी से स्टार्ट होगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा ये वाला है, इसमें देखो ये छिद्र हैं, ये इसके साथ साथ इसके सामने एक छिद्र है, इसको भी वायर की सहायता से अच्छे से साफ़ कर लें। अब साफ़ करने के बाद हमारा जो फ्लोट है, फ्लोट को साफ़ कर लें, इसके साथ वाल्व होता है, वाल्व को साफ़ कर लें, पेट्रोल या डीजल से ही साफ़ करें। उसके बाद इस यानी कि फ्लोट चैम्बर को अच्छे से साफ़ कर लें। दोस्तों हम इस वीडियो को एक बार कार्बोरेटर का वीडियो फिर से बनाएंगे, उसमें आपको पूरा साफ़ करते हुए सब कुछ, नया कार्बोरेटर का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरी क्लीनिंग दिखाएंगे। एक ख़राब कार्बोरेटर को हम बिल्कुल बिना काम, जो कार्बोरेटर है जो काम नहीं कर रहा होगा बिल्कुल भी, उसको हम प्रॉपर रिपेयर करके आपको उसको ऐसा बनाएंगे कि वो बहुत ही एक नए कार्बोरेटर की तरह काम करने लगेगा। दोस्तों अब इसके जो भी हमने इसको खोला, इसको प्रॉपर उसी तरीके से, इसमें जिस दो जेट जहाँ से खोला उसको प्रॉपर बंद करेंगे, और इसका जो एयर जेट है इसको पूरा टाइट करने के बाद इसको 3/4 हम खोल देते हैं। इसी प्रकार इस जो हमारा पायलट जेट है,
पायलट जेट को हम उसकी स्पीड के हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि हमें 250 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाए। अब हम आपको बंद करके दिखाते हैं। दोस्तों, हमने कार्बोरेटर की सेटिंग फिर से प्रॉपर कर दी है, आप देख रहे होंगे। और दोस्तों, इसमें हमने जो जो आपको वीडियो में बताया उसी प्रकार इसकी साफ़ सफाई किया और इसको प्रॉपर सेटिंग कर दिया। अब हम जनरेटर पे या बाइक का जो भी कार्बोरेटर है जिस चीज़ का, उस पर ही इसको माउंट कर देंगे। और माउंट करने के बाद देखेंगे आप कार्बोरेटर प्रॉपर काम करने लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं। और आपसे एक बार फिर हमारी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कमेंट और शेयर करें। फिर आएंगे हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।